वेलकम टू जीबी मैथमेटिक्स क्लास फ्रेंड। देखिए अलजेब्रा का पार्ट कितना है फ्रेंड, 26। अलजेब्रा का पार्ट 26, ठीक है ना फ्रेंड। देखिए आप ये तो दो को ये हम आज देख मानेंगे, देखिए ना आपको दे देगा कितना, तीन को समीकरण दे देगा, ठीक है ना फ्रेंड, तीन को इक्वेशन दे देगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ठीक है ना। अब पूछ देगा ये मान कि एक्स वाई की छोर निकालने के लिए, ठीक है ना, एक्स वाई जेड निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालिएगा ये देखिए, तीन को इक्वेशन दे देगा, ठीक है ना। ये आपको हम कंसेप्ट बता रहे हैं कैसे आप निकालिएगा जे, उससे पहले आप देख लीजिए। जैसे मैं हम एक इक्वेशन का दो इक्वेशन के क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए 5x = 35 दे लेते, यहां से एक्स बराबर कितना होगा फ्रेंड, कितना 7। ये अगर दिया हुआ आपको कितना, एक एक इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है ना, इसको कितना मान आता है फ्रेंड, एक, ठीक है ना, इसको कितना आया, इतना ऐसे हल किए, ठीक है। अगर आपको दे दिया दो इक्वेशन, फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है ना, तो इसको कैसे हल करते हैं, यहां देखिए दोनों को हम इक्वल करके दो को काटते हैं, ठीक है, तो हम कोई को इक्वल कर लेंगे, ठीक है ना। यहां से हम तीन तीन इक्वल कर लेंगे, ये ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, ठीक है, तो हम तीन के हैं इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए इसमें कितना, हमको तीन से गुना कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा ना, एक कट जाएगा, तो क्या करते हैं हम इसे तीन से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो यहां भी तीन से गुना हो जाएगा, यहां भी तीन से गुना हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो कितना हो गया 15x बराबर कितना 10, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसे क्या हो गया फ्रेंड, खत्म, ठीक है ना। अब 15 अधू कितना हो गया 17, 17x बराबर कितना फ्रेंड, ये कितना था 30, 30 हो गया ना, ये कितना 36, यहां से x बराबर कितना आ गया फ्रेंड, 36/17, ठीक है ना फ्रेंड, 36/17 ये आ गया। देखिए दो इक्वेशन को हम हल करने के लिए सीख गए, देखिए ये दो फर्स्ट एक इक्वेशन दो इक्वेशन को हम हल करने के लिए सीख गए ना। अब देखिए ये तो आप लोग बचपन में ही जानते होंगे, 10th 9th क्लास में 7वां 8वां सब में इक्वेशन था, ठीक है ना। लेकिन देखिए थर्ड इक्वेशन यहां पे देखिए आपको देता है 2x 2x 3y - 5z, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकेंड है, ये क्या है थर्ड, इसको अगर हम डिटेल पूरा करते हैं, ठीक है, तब देखिए तीनों को हम जोड़ देते हैं फ्रेंड, तीनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो कितना होगा, कितना 2 5 1 6, ये भी जोड़िएगा कितना 6y, ये जोड़िएगा ये 4 में से 1 घटेगा, ये जोड़िएगा कितना आएगा 64, ठीक है ना फ्रेंड, ये जोड़िएगा कितना आएगा 64, इसको समीकरण कितना 4th मान लीजिए, ठीक है ना, समीकरण 4th इसको मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए अब क्या करते हैं ना हम, यहां देखिए इसमें क्या, अगर हम इसमें 6 से गुना कर दें, इस समीकरण में 6 से गुना कर दें तो इसको इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप चाहिएगा कि देखिए आप कहते हैं कि इसमें अगर हम इसमें भी कितना, इसमें अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 9 आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर हम कितना से करते हैं, 3 से करते हैं, तो ये भी 9 आ जाएगा, नहीं। अगर हम ये इक्वेशन में करते हैं, ठीक है ना, देखिए मान इसमें 6 से अगर हम गुना कर दिए फ्रेंड, ये कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6y, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड 18z, ठीक है ना। ये 17 में 6 से गुना कीजिए, ठीक है ना, कितना 42 × 2 = 102, ये कितना आ गया फ्रेंड 102, ठीक है ना। इसको मान लीजिए आप कितना 5, ठीक है ना, इसको मान लीजिए 5, ठीक है, मान लीजिए कि इसको 5 ऊपर और कितना 5 ऊपर 4 नीचे है, ठीक है ना, मान लीजिए कि 5 ऊपर और 4 नीचे, हम आपको थोड़ा सा हमको बड़ा हो जाएगा, देखिए हम लिख ही लेते हैं, ठीक है, इसको ऊपर ज्यादा वाला का हम ऊपर कर देते हैं, 6x + 18z = 102, ठीक है ना, इसको नीचे 6y, ठीक है ना, -z = 64, ठीक है ना फ्रेंड। अब देखिए माइनस माइनस ये कितना प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है ना फ्रेंड, तो इसे ही खत्म हो जाएगा, इसे ही खत्म हो जाएगा, ये कितना 18x कितना हो जाएगा फ्रेंड 19, ठीक है ना, 19z, अब फिर 102 में से ये कितना जाएगा, तो कितना बचेगा फ्रेंड 38, यहां से जेड बराबर कितना आ गया फ्रेंड 2, यहां से जेड बराबर कितना आ गया आपका 2, ठीक है ना, यहां से जेड बराबर 2 आ गया। हमको मान निकालना था कितना, x/z का, हमको जेड के निकल गया ना फ्रेंड। अब देखिए अब जब जेड के हमको निकल गया फ्रेंड, तब इसमें कोई में जेड का मान रख के एक्स वाई के निकाल दीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए आप इस समीकरण में रखते हैं, ठीक है, एक्स बाई जेड का मान कितना है 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना 17, तो यहां से एक्स प्लस बाई प्लस कितना आ गया फ्रेंड 11, ये कितना आ गया 11, मान लीजिए इसको समीकरण कितना मान लीजिए 6, 5 तक मान लिए थे, इसको कितना 6 मान लीजिए, उसी तरह इसमें कितना आ गया 3x, कितना 3x प्लस कितना 2y
प्लस कितना जेड, जेड के जगह कितना मान है टू, बराबर कितना 29, ठीक है ना। अब कितना थ्री एक्स प्लस कितना टू वाई, ठीक है ना, टू वाई प्लस कितना 29 में से दो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, कितना कितना 27। इसको समीकरण कितना इतना मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड, इतना मान लीजिए, है ना। अब देखिए, अब हमको हम आपको टू को समीकरण के हल करने के लिए बताए, हमको जेड का मान तो निकल चुका है, हम आपको टू को बताए हैं ये कितना है एक्स प्लस कितना 11, ठीक है ना, ये कितना 3x प्लस 2y बराबर कितना 27, ठीक है ना फ्रेंड। हमको ये तीन से तीन काटना है, तो हम इसको मैं तीन से गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जब तीन से गुना करेंगे फ्रेंड तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर कितना 33, ठीक है ना। हम इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, माइनस 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 कर लेते हैं, इसे क्या हो जाएगा फ्रेंड खत्म। तो ये कितना है 3y 2y, कितना बचेगा 1y, ठीक है। ये कितना 33 27, कितना बचेगा 6, यानी y बराबर कितना आ गया फ्रेंड 6 6। अब यहां से निकालिए तो x बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड 5, यानी आपको z बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया 6। आप इस पे रख लिए इतना का मान निकल जाएगा, है ना फ्रेंड, ठीक है ना, इतना समझ गएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, जब आप समझ गए फ्रेंड, यहां देखिए अब थोड़ा सा वो कंसेप्ट है फ्रेंड, यहां देखिए, यहां से देखिए, आपको अगर एगो इक्वेशन दे दिया, ठीक है, एगो ई एक्स प्लस 10 बराबर दे दिया, ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कितना 2x प्लस 2y, तो आप ऐसे इसको आराम से निकाल सकते हैं, क्यों देखिए 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा एक्स प्लस 10, तो 2x प्लस y बराबर कितना है 10, यहां से आ गया आंसर आपका 20। जैसे आपको पूछ दिया 3x कितना 3y, ठीक है, ये तीन को अगर कॉमन लेते हैं एक्स प्लस कितना y बच गया, ठीक है, तो यहां से 10 रख दिया, ठीक है, ये आ गया 30, ठीक है। अगर फ्रेंड आपसे पूछ दे दोस्त कितना 3x प्लस कितना 5y, तो आप क्या एक इक्वेशन से इसको आप निकाल पाएंगे, नहीं ना। देखिए अगर 3x प्लस 5y अगर से पूछ दे तो क्या आप एक इक्वेशन से निकालना संभव है, नहीं नहीं फ्रेंड, जब तक आपको दो इक्वेशन न दे दे जब तक 3x प्लस इतना वाई निकालना आपको संभव नहीं है, ठीक है ना, है ना, ये 3x वाई आपको निकालना संभव नहीं है। आप बोलिएगा, देखिए आप ऐसे बोलिएगा, देखिए मान लीजिए आप x बराबर कुछ रख लीजिएगा, ठीक है, x बराबर कुछ रख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए x बराबर कितना ये 5, माने y बराबर 5, 5 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना, 5 5 कितना ये 10, 5 5 10 ये आ गया, ठीक है ना। x बराबर कितना आप ई रख लिए, तो आप बोलिएगा कितना x बराबर ई कितना रख लिए 5, y बराबर 5, 5 5 10, ठीक है ना, 5 5 10, ठीक है। जब ई रखिएगा तो कितना यहां रखिए 5 5 10, ठीक है, ई 65 हो गया। लेकिन आप इसको देखिए, क्या इसको निकाल पाना संभव है यहां पे से, नहीं, ठीक है ना। ये जैसे हम इसको निकाली दो कॉमन लेके, तो क्या दो कॉमन इसमें कुछ ले सकते हैं, नहीं, ठीक है ना, ये कॉमन कुछ ले सकते हैं, नहीं ना फ्रेंड, इसको कॉमन कुछ ले सकते हैं आप, नहीं ना, ठीक, नहीं ना ले सकते फ्रेंड। चलिए देखिए, आप सोच रहे होंगे फ्रेंड, यहां देखिए, ठीक है ना, आप देख रहे होंगे, आप देखिए यहां से आपको लग रहा होगा कि हमें यहां से कुछ मान लें, ठीक है, यहां से जब आप कुछ मानिएगा फ्रेंड, देखिए कितना x प्लस y बराबर कितना है, ठीक है, ये अब देखिए, अब देखिए फ्रेंड, यहां से अगर आपको एगो इक्वेशन रहेगा ना, ठीक है ना, तो एगो अगर आपको इक्वेशन दे ले है, ठीक है, अब वेरिएबल यानी चर कितना है दो गो, ठीक है ना, एक इक्वेशन है, चर चाहे जितना भी हो, ठीक है ना, एक इक्वेशन चर चाहे जितना भी हो वेरिएबल ना, उसमें क्या करते हैं ना, एक मान हमको फिक्स रहता है, ठीक है ना फ्रेंड, एक मान हमको क्या रहता है फिक्स रहता है ना फ्रेंड, एक मान कितना रहेगा आपका फिक्स, ठीक है ना। तो एक मान जब आपको फिक्स रहेगा फ्रेंड, एक मान आपको फिक्स रहेगा, तब देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए एक मान हमको फिक्स रहेगा, ठीक है, जैसे फिक्स का मतलब क्या है, इसे देखिए, एक मान आपको y बराबर कुछ मान लीजिए, ठीक है ना, जब y बराबर आप मान लीजिए y बराबर जीरो माने हैं, ठीक है ना, तो जब आप y बराबर जीरो माने हैं तो हमको लाना है कितना 10, तो फिक्स का मतलब है ना, ये जो आप मानिएगा ना, जब भी मानिएगा ना, जब भी कितना मानना पड़ेगा आपको 10, क्यों, जब y बराबर आप जीरो मान लिए हैं तो ये जोड़िएगा तो कितना 10 आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहां देखिए, अगर ये मान लेते हैं कितना y बराबर आप मान लेते हैं कि माइनस 5 है, ठीक है, आप जब इसको माइनस 5 माने हैं ना, तो जितना भी घटेगा और बढ़ेगा ना,
वो कितना किसको आपूर्ति करना पड़ेगा, इसको, तो इसको आपको प्लस 15 मानना पड़ेगा तब आपको 10 आएगा, ठीक है ना फ्रेंड, तब आपको 10 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 है, ठीक है ना, इसको हम मान लिए कितना 15, इसको कितना माइनस 5, ठीक है ना, तो यहाँ 2 गुना कितना 10, कितना 30, कितना आ गया 20 आ गया ना फ्रेंड, ठीक है ना, इससे भी 20 आया था। इसको में देख लीजिए यहाँ 15, यहाँ माइनस 5, यहाँ इसको भी कितना आया फ्रेंड 30, ठीक है ना, यहां से 30 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड, यहां से इस समझ गए। देखिए जैसे आपको दे देगा कितना 3, 2 को इक्वेशन दे देगा, कितना 2 को इक्वेशन दे देगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई प्लस कितना जेड दे दिया, ये को इक्वेशन नहीं दे दिया, ठीक है, मान लिया फिर देता एक्स बाई जेड बराबर, फिर ई बराबर दे दिया कितना, कुछ तो दिया कितना 6, ठीक है, अब इतना बराबर कितना दे दिया आपको, मान लिया दे दिया कितना 8, ठीक है ना फ्रेंड, कितना 8। अब देखिए फ्रेंड इसमें कितना वेरिएबल है 3, ठीक है, और ये वेरिएबल कितना है दोनों में 3, ठीक है ना, और इक्वेशन कितना है 2, ठीक है ना, अगर वेरिएबल कितना 3 रहे, इक्वेशन कितना रहे 2 रहे, तो इसमें क्या कीजिएगा ना, अगर वेरिएबल कितना रहे 2, ठीक है ना, 3 और इक्वेशन कितना रहे 2, ठीक है, तो इसमें 2 को मान फिक्स होता है फ्रेंड, 2 को मान क्या होता है फिक्स होता है, अब 2 को मान फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 को, ठीक है, यानी आप जेड को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, ए को क्या कुछ भी मान सकते हैं, जैसे देख लीजिए ए को क्या कुछ भी मान लीजिए, जैसे अगर हम इसको मान लिए कितना 0, ठीक है, तो अब इसको जब 0 मान लिए फ्रेंड, इसको जब आप 0 मान लिए तो क्या 0, अब मान लीजिए इसको 0 मान लिए, ठीक है, तो एक्स और वाई को जोड़ को हमको कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए फ्रेंड, कितना हमको 6 आना चाहिए, ठीक है, जब यहां पर आप जाए डबल डबल 0 मान लीजिएगा तो यहां 8 नहीं आएगा, है ना फ्रेंड, नहीं 8 नहीं आएगा, ठीक है ना, तो इसको यहां पे हम ये आपको समझाने के लिए चाह रहे हैं ना, कि देखिए हम ये समझाने के लिए चाह रहे हैं अगर कितना 2 को इक्वेशन है, ठीक है, अब वेरिएबल अगर 3 है तो इसमें 2 को मान क्या होता है फिक्स होता है, फिक्स क्यों होता, कैसे होता है ये हम आपको बता ही दिए हैं एगो इक्वेशन लेके, ठीक है, ठीक है ना, ये आप आगे क्वेश्चन में हम बताएंगे फिक्स कैसे होता है, ठीक है ना, ये समझ गए। अब देखिए यहां देखिए अगर 3 को वेरिएबल रहे फ्रेंड, अगर 3 को इक्वेशन रहे तो इसमें कुछ मान आप फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना फ्रेंड, ये वाला बात आपको याद रखना है, ठीक है ना, अगर आपको कितना 3 को इक्वेशन रहे और 3 को वेरिएबल रहे ना, ठीक है ना, तो इसमें कुछ मान आप फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इनमें बोल रहा है ना फ्रेंड कितना 3 4 पेन 6 नोटबुक और 9 फाइल का योग कितना है 305, तो यहां से आप देख लीजिए कितना 3 4 पेन प्लस 6 गो नोटबुक प्लस 9 गो फाइल बराबर कितना है 305, समीकरण 1, ठीक है, अब देखिए कितना 3 पेन 4 गो नोटबुक, ठीक है, प्लस 2 गो फाइल, कितना कीमत 145 रुपया, ठीक है फ्रेंड, अब पूछ रहा है कितना, यहाँ देखिए 5 को पेन प्लस 8 नोटबुक प्लस कितना 16 फाइल बराबर कितना होगा, ठीक है ना फ्रेंड, 16 फाइल बराबर कितना होगा, ठीक है ना फ्रेंड, अब देखिए इतना बराबर कितना होगा, ठीक है ना, देखिए इसमें कितना इक्वेशन है फ्रेंड, कितना ये 3 को इक्वेशन एक पूछ ही रहा है, तो ये इसमें देखिए वेरिएबल कितना है 3, इक्वेशन कितना है 3, ठीक है ना, वेरिएबल 3 इक्वेशन 3, तो क्या इसमें मान आप फुट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें ये क्या आप इसमें अपने से मान मान सकते हैं, नहीं फ्रेंड, इसमें अपने से तो मान मान सकते हैं नहीं, अपना मन से इसमें मान कुछ भी नहीं मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम आपको बता ही दिए हैं कि अगर 3 को इक्वेशन रहे 3 को वेरिएबल रहे तब अपने से मान आप नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड, चलिए देखते हैं इसको डिटेल, हल डिटेल ही करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे देखते हैं अगर आप फ्रेंड यहां देखिए अगर इसमें से आप देखिए इक्वेशन एक में अगर 2 हटा दें, देखिए इक्वेशन एक में अगर 2 हटा दें, देखिए इक्वेशन एक में हम 2 हटा रहे हैं तो कितना बचेगा 1p, ये कितना बच गया फ्रेंड 2 नोटबुक, ये कितना बच गया 7, कितना 7 फाइल बराबर कितना, जोड़िए 0 6 कितना 0 6 1 160, ठीक है ना, 160 160, जब देखिए इसमें से घटाएं कितना 160, मान लीजिए कि समीकरण कितना है 3, ठीक है ना, हम कोण में से घटाए हैं, देखिए कितना
एक में से कितना समीकरण, दो घटाए हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं फ्रेंड, अब क्या करते हैं हम, देखिए अगर हम यहां पर हमको कितना लाना है, 5p 8 और 16 लाना है, ठीक है ना फ्रेंड। अगर हम समीकरण 3 और 1 को जोड़ दें, समीकरण 1 अगर 3 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, ठीक है ना। अब ये 8, ये कितना 16, 16 5, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 5 6 4, यानी 465। ये आपका फ्रेंड आंसर हो गया, 465 आपका क्या हो गया फ्रेंड, आंसर, ठीक है ना। 465 आपको क्या हो गया, आंसर, ठीक है ना फ्रेंड, 465 आपका आंसर आ गया, इतना समझ गया, ठीक है। ये तो आपको शॉर्ट हो गया, ठीक है ना फ्रेंड, ये तो हम जल्दी बना दिए अपना दिमाग के सोचने के लिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे आप नहीं सोचते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर एग्जाम में आप ऐसे नहीं सोचिएगा फ्रेंड, तो आपको डिटेल ही हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिटेल कैसे कीजिएगा, यहाँ देखिए डिटेल कैसे करना पड़ेगा, हम आपको अप्रोच बता देते हैं कैसे कीजिएगा। देखिए आपको डिटेल कैसे कीजिएगा, यहाँ देखिए ये दोनों को आप काटिएगा, ठीक है ना, ये दोनों को क्या कीजिएगा, काट के फिर पी का मान निकालिएगा, ठीक है ना, ये दोनों को काट के पी के मान निकालिएगा, ठीक है ना, पी के मान निकालिएगा ना। जैसे देखिए यहाँ देखिए अब डिटेल कैसे कीजिएगा, यहाँ देखिए हम अभी बताएं कितना इक्वेशन कितना है फ्रेंड, दो को, इतना का तो मान पूछ रहे हैं, ठीक है, हम 3 को इक्वेशन लेके नहीं चलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, हम 2 को इक्वेशन ही लेके चलते हैं। ये मान लीजिए इसको इतना बराबर तो हमको पूछ ही रहा है, ठीक है ना, सॉरी गलती हो गया था हमको, चलिए मान लीजिए इतना बराबर तो हमसे पूछ ही रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हम आपको क्या कर दिया, ऐसे किए सोच लिए हम बन गया, ठीक है। अब यहां से मान लिए ना हम इतना बराबर तो हमको पूछ ही रहा है, ठीक है, यहां देखिए तो इक्वेशन क्या होगा फ्रेंड, 2 को, वेरिएबल कितना है 3 को, अगर इक्वेशन कितना रहे, इक्वेशन 2 रहे, वेरिएबल 3 रहे, तो हम क्या बताया था, इसमें 2 को मान क्या होता है फ्रेंड, फिक्स, 2 को मान क्या होता है, फिक्स। आप 2 को अपना कुछ, अपना मन से कुछ भी नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 को अपना मन से कुछ भी रखिएगा ना तो ये कुछ भी आ सकता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे अगर मान लीजिए कि हम एफ बराबर कितना 0 ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, एफ बराबर 0 ले लेते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4p + 6n बराबर कितना, 365। ये आपको एक न्यू समीकरण दे देगा, फिर इतना 4 4n बराबर कितना, 145, ठीक है ना फ्रेंड। ये आपका मान लीजिए ये समीकरण 2 को फिर आ गया, 2 संघात समीकरण, 2 को समीकरण वाला हल करने के लिए, ठीक है ना फ्रेंड। अब यहां से आपको f बराबर कितना 0 निकल चुका है, ठीक है, f बराबर 0 क्या होगा, निकल चुका है, ठीक है। अब इतना को आप हल कीजिएगा, इतना को हल कीजिएगा कितना, फिर पी बराबर निकालिए, एन बराबर निकालिए, दोनों को निकाल के आप इसमें रख दीजिए, आपको कितना, इतना ही आएगा, ठीक है ना फ्रेंड, है ना, ठीक है ना फ्रेंड। आप हमको, हम हमको मकसद सिर्फ ये है ना कि ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि अगर इक्वेशन कितना है, 2 है, अब वेरिएबल 3 है, तो इसमें 2 को मान फिक्स होता है, ठीक है ना, 2 को मान पर आप कुछ भी अपने मन से नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। इसी हमको देखिए, हम चाहते तो पूरा पूरा 0 रख लेते, ठीक है ना, क्यों नहीं रखे, क्योंकि 2 को इक्वेशन और 3 को वेरिएबल है, तो अपना हम एक ही मान, हम एक ही को सिर्फ अपना मन से रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। जब यहां पर आप कुछ भी रखें ना फ्रेंड, तो ये दोनों इक्वेशन को आप दोनों मेकअप करेगा, ठीक है ना, यहां मैंने 0 रख लिया, ठीक है, ठीक है ना, तो ये दोनों मिलके ये क्षति को पूर्ति करे। मान लीजिए कोई सामान है, ठीक है ना, आप बर्बाद कर दिए, ठीक है ना, तीन गो आदमी मिलके कोई सामान खरीदा है, ठीक है फ्रेंड, 3 गो आदमी मिलकर कोई सामान खरीदा है, ठीक है ना, तो एक आदमी अकेले सामान को बर्बाद कर दिया, तो देखिए तो ये दोनों को क्या करना पड़ा, ये दोनों को क्षति को पूर्ति वो किया ना, ठीक है ना, इसको तो भी घाटा किया ना, ठीक है ना। तो जब इसको आप 0 मान लेते हैं, तो ये दोनों को मिला को इतना इक्वेशन लाना रहता है, ठीक है ना, ठीक है, आगे बनाते बने तो समझ जाइएगा फ्रेंड, ठीक है, इतना समझ गया, ये दोनों को आप निकाल लीजिएगा, आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं फ्रेंड, चलिए देखिए इफ कर रहा ना, a + b a + c बराबर कितना 5, ab bc e बराबर कितना है 8 है, ठीक है ना फ्रेंड। आप इतना बराबर आपको से पूछ रहा है, ठीक है, इतना बराबर आपसे पूछ रहा है। अगर इसको आप डिटेल कीजिएगा, इसको डिटेल कीजिएगा, तब देखिए अगर आपको इसे डिटेल कीजिएगा ना फ्रेंड, a + b + c, ठीक है ना, गुना कर दीजिए कितना, ab + bc + cs से, ठीक है, तो हम गुना किया करें इससे इससे, तो गुना कर दें 8 + 5 से, ठीक है। तो आप इसको में अगर गुना कीजिएगा ए से, ठीक है, कितना हो जाएगा,
ए स्क्वायर बी, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी, फिर इसको से कीजिए कितना प्लस ए बी सी, ठीक है ना, फिर इसको में कीजिए कितना से ए सी ए के स्क्वायर, ठीक है ना, फिर कीजिएगा बी में ए बी के स्क्वायर, फिर कीजिएगा ए में बी से कीजिए एक बी के, फिर इसमें कीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, कितना आ जाएगा सी बी के स्क्वायर, ठीक है ना, फिर इसमें फिर कीजिएगा ए बी सी, फिर उसी तरह इसमें कीजिएगा फ्रेंड ए में ई आ जाएगा, फिर इसमें जब कॉमा लीजिएगा तो आपको इतना बराबर आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड, इतना बराबर आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये तो डिटेल हो गया आपको, जब इसमें फिर हमको इसमें गुना करना रह गया इससे 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 फिर और बढ़ते चल जाएगा, ठीक है, तो ये तो आपको डिटेल हो गया, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक। अब शॉर्ट कैसे होता है, यहां देखिए कितना इक्वेशन है फ्रेंड, दो गो इक्वेशन, क्या गो है दो गो, वेरिएबल कितना है तीन, ए बी सी तीन गो वेरिएबल है, तो इसमें कितना मान फिक्स होगा फ्रेंड एक, इसमें कितना मान फिक्स होगा दो, ए यानी एक को आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, यानी आप मान लीजिए कि दो को मान आपको फिक्स होगा कौन कौन ए और बी, तो मान लीजिए कि सी को आप जीरो रख लिए, ठीक है ना, तो कितना बच गया, सी को आप जीरो रख लिए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बच गया पांच, यहां से जब सी बराबर जीरो रखिएगा तो ए भी जीरो हो जाएगा और ए भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो ए और बी बराबर कितना आ गया आठ, ठीक है ना, ठीक है, ए बी बराबर आठ आ गया, तो अब जब ए बी बराबर आठ आ गया फ्रेंड तो सी को आप जीरो रखे हैं तो ई बराबर भी इतना बराबर जीरो हो जाएगा, इतना बराबर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड जीरो, क्योंकि सी को जीरो रखे हैं, जब जीरो में किसी से गुना हो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, ई सी जीरो है तो ए भी जीरो हो जाएगा, बच गया कौन फ्रेंड, यहां देखिए ई कितना बच गया ए बी, ई कितना मान है आठ, बच गया कितना ए प्लस बी, इसको कितना है पांच, इसको आंसर कितना आ गया फ्रेंड डायरेक्ट कितना आ गया चालीस, ये आपका एंसर है, ये आपको डायरेक्ट करना है फिर, ये आपको सोच के कर देना है, ठीक है ना, ये आप सोचिए और हल कर दीजिए, ठीक है ना, चलिए देखिए दूसरा, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस इतना है, ठीक है ना, और इतना का मान पूछ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड, अब देखिए इसको अगर आप डिटेल करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड, ई इसको मान लीजिए आप डिटेल कर दिए, इसको क्या किए आप डिटेल कर रहे हैं, हम डिटेल करके आपको बता देते हैं, ठीक है ना, चलिए देखिए डिटेल अगर करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस अगर माइनस हम उधर देते हैं तो जेड आ गया, ठीक है ना, अब दोनों को इसको हॉल स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, एक्स प्लस इतना का क्या वर्ग, ई माइनस इतना का वर्ग, ई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ठीक है ना, ये जेड के स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड, जेड के स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या फ्रेंड टू एक्स वाई का इतना पर, ठीक है ना, अब देखिए हम ये दोनों लाते हैं, ठीक है, अगर हम एक्स क्या किए एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर लाए ना ई, ठीक है ना फ्रेंड, यहां पे नहीं समझे आप, देखिए जैसे कि यहां से, ठीक है ना, देखिए फ्रेंड ई हम कितना है ई वाला हम इधर लाए, ठीक है, तो क्या ई माइनस में आएगा, ठीक है फ्रेंड, ई माइनस में आएगा, ठीक है, अब बाई के जब हम पूरा उधर की ले जाएंगे तो माइनस में ही ले जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा फ्रेंड खत्म, तो ई कितना आ जाएगा प्लस रह जाएगा, ये कितना जेड के स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, ई जाएगा था ई कितना बाई के स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई जेड, ठीक है ना, इतना जैसे हम देखिए ये हम इधर माइनस लाते ये माइनस रह जाता, ठीक है ना फ्रेंड, ये हम जेड में इधर माइनस लेता, माइनस माइनस खत्म हो गया, आपको कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड, अब देखिए ये देखिए इतना बराबर हमको इतना आ गया, अब ऊपर रख देते हैं थ्री थ्री बाई जेड, ये कितना आ गया बाई के स्क्वायर माइनस टू एक्स इतना, ठीक है ना, फिर इतना हम रख दिए एक्स जेड यहां से, ठीक है, तब तीन बाई कितना फोर बाई हो जाएगा, फोर बाई स्क्वायर टू एक्स बाई जेड, ठीक है ना, टू एक्स बाई जेड, ठीक है ना फ्रेंड, टू एक्स बाई जेड, कहीं हमसे गलती हो रहा है फ्रेंड, टू एक्स बाई जेड कहीं गलती हो रहा है फ्रेंड, ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड, सॉरी भाई कहीं हमसे गलती हो रहा है, चलिए फिर से देखते हैं फ्रेंड, हमको लाना है कितना फ्रेंड यहां एक्स जेड, ठीक है ना फ्रेंड, एक्स जेड, तो हम क्या करते हैं एक्स प्लस जेड इसको ले लेते हैं फ्रेंड, ठीक है ना, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है ना, और देखिए बाइक हम इधर भेज देते हैं, ठीक है ना, बाइक इधर, अब इसको स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए इसको हॉल स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, इसको हॉल स्क्वायर कर दिया, कितना एक्स के स्क्वायर प्लस कितना हो गया जेड के स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड, ठीक है ना फ्रेंड, यहाँ बाइक के स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ बाइक के स्क्वायर, ठीक है ना, अब सही जा रहा फ्रेंड, तो यहाँ एक्स के स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर, ठीक है ना, इसके इधर बाई है तो बाई रह जाएगा, इधर
एक्स जेड जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। सॉरी यहां पे हमको गलती कर रहे थे फ्रेंड, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब यहां से देखिए, यहां से कितना आ गया जेड, कितना हो गया फ्रेंड जेड, कितना आ गया जेड, ठीक है ए जेड। अब यहां से टू बाय स्क्वायर एक्स जेड, अगर हम ऊपर वाला टू कॉमन ले तो कितना बचेगा फ्रेंड, टू बाय के स्क्वायर ई एक्स जेड, नीचे कितना टू बाय के स्क्वायर एक्स जेड, इसे क्या होगा फ्रेंड खत्म, यहां से क्या आ गया टू। ये तो आपको डिटेल हो गया फ्रेंड, ये आपको क्या हो गया डिटेल। अब देखिए इसको शॉर्ट हम कैसे करते हैं, यहां देखिए ये आपको डिटेल हो गया। देखिए शॉर्ट कैसे करते हैं, देखिए इक्वेशन हमको क्या हुआ फ्रेंड एक, इक्वेशन कितना है एक, है ना, इक्वेशन कितना एक, वेरिएबल कितना है तीन, हम इसमें कितना फिक्स कर सकते हैं सिर्फ एक ही मान हम कितने किसको में फिक्स कर सकते हैं ना। तो आप दो को कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना, दो को आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए मान लेते दो कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हम बाय को कितना जीरो मान लिए, बाय के कितना मान लिए फ्रेंड जीरो, ठीक है ना, बाय के जीरो मान लिए और कितना जेड को एक मान लिए, जेड को कितना हम वन मान लिए। तो अब दो का कुछ भी मान लिया, तो अब हम देखिए यहां पर आप समझिए, दो को जब कुछ भी मान लिया ना फ्रेंड, तो आप एक्स को कुछ भी नहीं मान सकते हैं, जब भी मानिएगा ना, जब आपको माइनस वन ही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, यहां देखिए क्यों माइनस वन मानना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको जीरो मान लिया इसको वन मान लिया, तब यहां तक तो वन आ गया, जबकि इक्वेशन हमको बराबर किया जीरो लाना, तब पूरा को जीरो करने के लिए हमको ये दोनों को, ये दोनों जो घाटा किया है उसको आपूर्ति करने के लिए हमको ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, इसको मान लिए। तब यहां से देखिए जब वाई बराबर जीरो माने तो ये पूरा क्या हो जाएगा फ्रेंड जीरो, ठीक है, एक्स बराबर माइनस वन माने तो माइनस वन के क्या स्क्वायर, जेड बराबर वन माने तो प्लस जेड के स्क्वायर, नीचे जी पूरा जीरो हो जाएगा। अब देखिए एक्स बराबर कितना माने हैं माइनस वन, जेड बराबर वन, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस यानी वन, ठीक है ना, नीचे कितना ऊपर दो और नीचे कितना वन, आप आंसर कितना आ गया फ्रेंड दो, ठीक है ना, समझ गए ना, माइनस वन का स्क्वायर एक कितना दो और नीचे कितना वन, ठीक है ना, ये आपका वन। आप नहीं समझे तो फिर से यहां समझिए, देखिए इसको मान हम मान रख लिए थे कितना जीरो आ गया फ्रेंड, इसको मान माइनस वन रख लीजिए, ठीक है, इसको वन रख लिया, ठीक है, यहां से ई बराबर पूरा जीरो क्योंकि हम पाई बराबर जीरो माने हैं। अब यहां से आ गया एक्स बराबर माइनस वन रखें और जेड बराबर वन, ठीक है, तो ई इसको स्क्वायर क्यों वन, इसको स्क्वायर वन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन गुने वन, ठीक है, तो दो गुने कितना वन, यानी आपका दो आंसर आ गया, ठीक है ना, आपका आंसर कितना दो। ये तो आपको शॉर्ट हो गया, ये आपको तुम देख के आंसर मार लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो आप बस फ्रेंड यहां तक आपका, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्या है कि हमको कहाँ पे गलती हो रहा है वो हमको पता नहीं चलता है दोस्त, ठीक है ना, हम बताते चल जाते हैं, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके ये बताएं कि भाई यहाँ पे गलती हो रहा है, इस यहाँ पे वीडियो सुधारो, क्यों, अगर आप ऐसे बताने लगिएगा तो हम आपसे अगला बार बेहतर वीडियो बना के दे सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, गुड बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।